तो भाई ब्लेड निकाल लिया था मैंने, यहाँ से ब्लेड लिया मैंने, दबा रखा है और अभी पट्टी धर रखी है मैंने। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और आज ही मेरा एग्जाम, बट मैंने सारे एग्जाम छोड़ ही दिए, तो 2 ही बचे, इनका भी क्या करूँगा देखिए, क्योंकि वैसे भी सेशन नहीं, इम्पोर्टेंट नहीं है। और एग्जाम की डेट भी, डेट शीट फॉर्म आ गया मेरा एग्जाम CCS यूनिवर्सिटी के, और फॉर्म फिल करने पड़ेंगे मुझे 10 तारीख से पहले। यार ऊपर तो ठंड चल रही है बहुत ज़्यादा, मैं ढूंढने आया हूँ बोतल, छोटी बोतल चाहिए मुझे। यार मम्मी के पास भी नहीं, यहाँ ही पड़ी हो तो आसपास देख लो मिल जाए। इधर भी नहीं है यार, छोटी बोतल कहाँ से लाऊँ, क्योंकि क्या है आज बोर्ड टेस्ट हो गया तो टॉयलेट लेनी, वॉशरूम होता है हमारा, भर के ले जाना उसमें। गाइस वो तो मिलने की बोतल, अब क्या करें देखते हैं, क्या करते हैं, नीचे जाते हैं और भूख लग रही, खाली पेट जाना है वैसे यहाँ पर, अभी बोतल मिल नहीं रही, क्या करना। छुट्टी हमने बेच दी सारी, ये प्लास्टिक रखते नहीं है, बेच देते हैं यार तो हमने बेच दी छोटी बोतल है हमारे पास, उसमें ना पर पहले से हमने पहले से ना उसमें पौधा बो रखा है, हिचकी भी आ गई, खांसी पहले पता ना क्यों याद कर रहा है। तो जल्दी जल्दी इंतजाम हो गया है, और हाथ सोडा अभी ये डिब्बी मिली है, एकदम सही है, एकदम बढ़िया, ये काम आई थी, समझ जाओ जाना है इसका। अब अभी तो मोरी का करना पड़ेगा, अरे यही पहले तो जाइए हो गया और अपना इंतजाम से निकल गया, क्या जाए भाई, देखो मजबूरी तो कराना पड़ेगा। अब मान लो कोई बड़ी प्रॉब्लम निकल जाए तो दिक्कत हो, इसलिए मैंने बोला इनका चेकअप करा ही दो, क्योंकि मुझे सिर में दर्द रहता था तो पूरा चेकअप करा ही दो फुल बॉडी में, या छोटी सी प्रॉब्लम हुई तो बाहर जाए, प्रॉब्लम नहीं हुई तो अच्छी बात हो, उससे अच्छी बात ही क्या है। और परसों मेरा बर्थडे भी है तो पता नहीं बर्थडे का कुछ प्लान नहीं है, क्योंकि अभी लिटरली सच बताऊँ तो दवाई ववाई में खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और टेस्ट भी हो रहे हैं, तो बर्थडे का कुछ पता नहीं है मुझे कैसे बनेगा, बट बनेगा जरूर, अच्छा ही बनेगा, जितने पिछले बने हैं उनसे तो अच्छा ही बनेगा, ये तो हर साल होता है मेरा बर्थडे, पिछले साल से अच्छा ही बनता है हर बार। और अभी रोटी बना के मम्मी, रोटी बना के बर्तन धो के फिर जाएंगे हम टेस्ट कराने के लिए, चलो फिर अभी चल ही जाएँ। और तुम रूप देखो मेरा, जैसे आँखें नसीली सी हो रही हैं, दाढ़ी बढ़ रही है, बाल वगैरह तो पता ही नहीं है भाई, 2 दिन से नहीं आया भाई, मैं कल भी नहीं आया, परसों भी नहीं आया, कैसे ना हो ठंडी तो नहीं है तो, और बीमार हो रहा हूँ तो नाना बचा रहे, ऐसे मैं बीमार और पड़ गया, मैं बीच में भूल गया व्लॉग बनाने के, अच्छे से बनाता था मैं, अब दोबारा कल परसों देखा ना अपने पुराने व्लॉग, मैंने कि हाँ बना रहा हूँ पूरे, बढ़िया बढ़िया था ये व्यू, क्योंकि उस वाली वीडियो पे 1000 व्यू हो गए M610 वाली पे, तो जाने के रोटी दिया हूँ मैं फिर बनाया, यहाँ आके दाएँ कुत्ता जो भी आता है वो रोटी खा लेता है, हम वही रख लेते हैं आराम से ऐसे बस। हम लोग बाहर बैठे हैं तो शोर वोर चाहिए, ठंड हो रही है, बचना पड़ेगा सबको ठंड से, मेरी तो पूरी बॉडी पेन कर रही है, घुटने दर्द कर रहे हैं, ये तलवे दर्द कर रहे हैं, थाई हाथ पे जो वगैरह ठंड के जैसा हो रहा है, फिर बीमार पड़ेंगे तो भी नहीं, चलते हैं चलो चले। सो जल्दी चल रहे हैं डिब्बा लेके, बट पता नहीं वहाँ व्लॉग बना पाऊँगा नहीं, अगर नहीं बनाऊँगा कि कहीं नहीं आता लोटरी में आके व्लॉग बनाना, रास्ते में जितना वो दिखा दूँगा और जो एरिया दिखा दूँगा वहाँ का, जहाँ लोटरी शॉप है, बट अंदर तो बनाना सही नहीं है, कोई सही लगता है नहीं ऐसे, तो उनको फ़ोन देता हूँ मैं आ रहा हूँ, चलते हैं। खाना भी हूँ यार, और आप उठ रहे हमारे करने वाले और वो जल्दी फोन जगह बुला रहे हैं, तो मम्मी पीछे ही बचो चला रहा हूँ, अब जाता हूँ गाइस का चक्कर आता हूँ, फिर बाद में यहाँ पे सीन आपको उसके बाद। गाइस मार्केट के अंदर आ गया हूँ, भीड़ भाड़ है तो चलते हैं चक्कर कराते हैं, फिर यहाँ चले गए। A few moments later. तो गाइस ब्लेड निकाल लिया था मैंने, यहाँ से ब्लेड लिया मैंने, दबा रखा है यहाँ पे,
ब्लड लिया और यूरिन सैंपल ले लिया था। तो अब घर जा रहे हैं, सब खाना खाऊंगा दादा। अगर खाली पेट से बोले हैं क्योंकि खाना खाने ना तुम्हारे पेट में वो खाने का मिनरल ले जाए तो ताकत जा रहा है। खाली पेट बड़ा है तो ब्लड में क्या चीज़ कमी है, क्या चीज़ें हैं। और एक डिब्बी दी उन्होंने, ये यूरिन जो होते हैं स्टोर करने के लिए, बट हम लाए थे पहले से तो वही दे दी हमने। और अभी पट्टी धर रखी है मैंने, अभी खून ना निकले, इतना सारा खून लिया एक सीसी भर के। पता क्यों लेते ज़्यादा, क्योंकि दो तीन टेस्ट होते हैं ना खून से, मतलब एज अलग एज अलग एज अलग। हाँ वही है, कहीं बाहर जाते वहाँ भी ऐसे होता, थोड़ा महंगा होता और वहाँ पर। अब चलते हैं, चलो घर। तो गाइस घर आ रहे हैं, अब खाना खाएंगे, भूख लग रही बहुत ज़ोर से, धूप में बैठ के खाना खाएंगे। अभी तो पता ना, और देख कर फिर दवाई देगा अभी तो। हाँ रिपोर्ट देख के, हाँ तुझे शाम को रिपोर्ट आई 6:30 बजे। अब देखो रिपोर्ट में क्या होता है, वैसे तो नॉर्मल ही हो सकता है, बट कुछ हो अच्छी बात है पहले ही बाहर आ जाए चीज़ें। अभी यहाँ मार्बल कट रहा है, यहाँ पर नया घर बन रहा है पास हमारे, और धूप मस्त आ रही है। बट मेरा मन कर रहा है कहीं गाँव वाँव घूमता हूँ, वहाँ धूप बहुत अच्छी आती है क्या। हाँ कटिंग डेट पर ही होगा इनकी, अच्छा टूट जाएंगे। तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा व्लॉग में। ऐसे तो यहाँ रास्ता बनने वाला है, ऐसा मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे पार्क में बनेगी यहाँ छोटी सी। तो अपना मोहल्ला आ गया, प्यार का मोहल्ला, बहुत मस्त एकता बना मोहल्ला। तो गाइस अभी नाश्ता पानी कर लेते हैं, और फ़ोन में चार्ज भी नहीं है तो चार्ज कर लेता हूँ, और थोड़ी देर लैपटॉप डॉक्टर देख लेते हैं काम धंधा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस अभी दवाई हवाई खा ली मैंने, दवाई थी, अब शाम को रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से दवाई देनी। बट आई मम्मी के बारे में पेंट लगाना है, यानी बुरुस करना है। बैठ जाओ। हाँ तो मम्मी से बात तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हुई पड़े, और लाभ लगा दो हो जाए यहाँ तक ना, हल चलते हैं। अरे वो एक शैम्पू आवे है वो लगा ले जरा, उसमें जरूरत पड़ती है ऐसे। ना दो फिर ये झंझट बाजी, इसमें पेंट मिलाओ करो उसमें तो काले तो बाल करने हैं, और करने क्या है ये धने चाले अच्छे लगे हैं बाल तो। हाँ वो ऐड देखिए ना, सुरक्षित काले मेरे बाल, वैस मोड़ ने किया था मुझे तुम्हारे बालों में, तो डेंडरफ हो रहा है भाई बहुत। मैं भी नहाऊँ आज, नहाया नहीं हूँ दो दिन से, अब नहाऊँगा फिर। हाँ ऐसा तो देखिए पेंट कैसा है बेचारा, खराब सा तो। चलो मैं अभी अब नहा लेता हूँ यार। हाँ नहा के फिर धूप, ड्रायर सबसे बड़ी गलती है, ड्रायर ख़राब हो गया मैंने हेयर ड्रायर, और बात सुखाऊँगा ऐसे धूप भी नहीं आ रही इतनी, तो ठंड ना बैठ जाए दिक्कत सारी ये है। अब नहा लेता हूँ चलो यार मैं। तो भाई मैं नहा धो लिया हूँ, और अभी 11 बजे थोड़ी देर पढ़ने बैठ, थोड़ा सा पढ़ के आया बस ऊपर ऊपर से, और बाद में पढ़ूँगा। और देखो अभी क्या सारा सामान, बढ़िया 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 वाले बिस्कुट, बढ़िया वाली नान खटाई, 3-4 तरह की नमकीन यार जो मुझे बहुत पसंद है। देखो ज़रा कितनी अच्छी है, मतलब मेरे को ये चीज़ें बहुत पसंद है, बट खाना पूछना पड़ेगा मम्मी से एक बार। मम्मी 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 पता नहीं मम्मी खाली कहा नमकीन तो खाऊंगा, नमकीन में मना बिस्कुट खा सकता हूँ, हाँ बिस्कुट खा सकता हूँ, ये तो नॉर्मल है अच्छा वाला यार एकदम भैया एकदम। थोड़ा सा सील जा। तो गाइस एक काम करते हैं, इस वाले ब्लॉग को इतना रखते हैं, ये ब्लॉग 10 मिनट का वैसे ही हो गया,
तो और जो रिपोर्ट आएगी देखेंगे आप तो नेक्स्ट फॉर्म में। रिपोर्ट का मुझे पता नहीं है रिपोर्ट में क्या आएगा, हो सकता है अच्छा ही आए हो सकता है बुरी भी आए। देखो रिपोर्ट में सब अच्छा आया तो अच्छी बात है, बुरा आया तो और अच्छी बात है। मुझे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो अच्छा वो टाइम पर मालूम पड़ जाए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, है ना। तो ये वाला ब्लॉग इतना रहते हैं, कैसा लगा ब्लॉग कमेंट बता देना। वैसे अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे, लंबे लंबे अच्छे अच्छे ब्लॉग लाऊँ ताकि आप लोगों को मज़ा आए एंड फैमिली ब्लॉग्स आप देख पाएँ। सो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के अंदर। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।